हे फ्रेंड्स, राजेश शेर। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि आज हम अपने फोन के अंदर मी फिटनेस का एक नया ऐप यूज कर रहे हैं, जो कि Xiaomi के MIUI 13 के फोन्स के लिए चाइना में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसको हम अपने मी 11X फोन के अंदर यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसा विजेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके ऊपर टैप करते ही एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है, जहाँ से आप अपने कैलोरीज, स्टेप, ये कितने टाइम आपने मूव किया है, सारी की सारी डिटेल्स आप अपने फोन में यहाँ पे पा सकते हैं। इवन जो है इसके ऐप का जो यूआई है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, एक नए तरीके यूआई के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखिए, मैं लॉन्च करता हूँ, कुछ इस तरीके का नया यूआई आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है इस ऐप को आप अपने किसी भी Xiaomi फोन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो रेडमी हो, चाहे पोको हो, चाहे मी का फोन हो, चाहे वो MIUI 11 पे हो या 12 पे हो या 12.5 पे हो, और कुछ इस तरीके के विजेट्स भी जो है अपने फोन पे आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। ऐप का यूआई जो है कुछ इस तरीके देखने को मिलता है, जिसमें आप जो अपने हर्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर विद फोन भी कर सकते हैं, कैमरे के फ्लैश को आप कवर करके इसको यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि आपकी यहाँ पे स्लीप एक्टिविटी को चेक करता है, कितने स्टेप्स आप चल चुके हैं, कितनी कैलोरी आप बर्न कर चुके हैं, कितने टाइम आप स्टैंड रहे हैं, क्या आपका वेट रहा है और क्या आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर है, वो सारी चीज़ें करते हैं। इवन शो ऑल में आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि वर्कआउट वगैरह, ब्लड ऑक्सीजन वगैरह, इन सबको आप चेक कर सकते हैं। वर्कआउट में वर्कआउट मोड को आप सेटअप कर सकते हैं, जैसे आउटडोर रनिंग हो गई, वॉकिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, ये चीज़ें मिलती हैं। डिवाइस में जाके जो है आप अगर मी बैंड ये कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उस तरीके के रेडमी बैंड वगैरह, उनको भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और प्रोफाइल में जाके अपने प्रोफाइल को भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह का नया यूआई जो है अब आपको यहाँ पे इस ऐप में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे तो हम अपने इसको MIUI 13 के अपने मी 11X फोन में यूज़ कर रहे हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप जो है इसको अपने MIUI 12.5 के किसी भी फोन में यूज़ कर सकते हैं, वो बिना रूट किए हुए। तो ये देखिए, इस टाइम पे हमारे पास जो है Redmi Note 10 Pro है, और इसके अंदर जो है हम हमारा इंडियन का ही MIUI जो है 12.5 रन कर रहे हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको एक फाइल को जो है डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। ये वो फाइल है मी फिटनेस वर्जन 3.0, इसको आपने डाउनलोड करना है और इसको एक नॉर्मल APK की तरह आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, और नया ऐप जिसके अंदर नया UI और काफी सारे नए फीचर्स जो है इंट्रोड्यूस किए हैं उसको यूज कर पाएंगे। तो इसको नॉर्मल APK की तरह इंस्टॉल कीजिए, और इसको जो है आप इंग्लिश लैंग्वेज में अब यूज करते हैं। पहले ये चाइनीज लैंग्वेज में देखने को मिलता था, बट अब ये इंडिया के लिए भी सपोर्ट करता है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सेटअप किया जाता है इसको। तो ये देखिए, मी फिटनेस जो है अब हमारे फोन के अंदर ऑलमोस्ट जो है इंस्टॉल हो चुका है। ओपन कीजिए, ओपन करते ही फर्स्ट पेज जो है आपको चाइनीज लैंग्वेज पूछेगा, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद जो है फिर से आपने इसकी परमिशंस को एग्री करना है। एग्री करते ही आपने यहाँ पे अपना रीजन जो है, जो भी आपका रीजन है, जैसे हमारा इंडिया है तो हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर, ये इंडिया, और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते पूछेगा आपको क्लासिक स्टाइल चाहिए या सिंपल। मेरे को क्लासिक ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका UI काफ़ी अच्छा है, तो उसको सेटअप कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरह का नया UI जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने मी अकाउंट के साथ सिंक कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ऑलरेडी अकाउंट था वो ऑलरेडी यहाँ पे सिंक हो गया, जो कि मी 11X में हम यूज़ कर रहे थे, वही सारा पैटर्न जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। शो ऑल में आप इसकी सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वर्कआउट में वर्कआउट मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यही नहीं आपको और भी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। ये देखिए, अगर आप डिवाइस में जाएँ तो डिवाइस में जाके आप अपने मी के या रेडमी के डिवाइसेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का नया UI जो आपको देखने को मिलता है। इवन आप इसके विजिट्स को भी अपने MIUI 12.5 के फोन में यूज़ करते हैं। विजिट्स पे जाइए, सबसे नीचे जो है आपको मी फिटनेस के विजिट्स देखने को मिलेंगे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख लीजिए, और उसके बाद जो है ये विजिट जो है आपके किसी भी Xiaomi फोन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आप जो है नया जो है मी फिटनेस ऐप जो है, जो अब इंडिया में के लिए भी कंपेटेबल है, आप उसको अपने किसी भी Xiaomi फोन में यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।